चोरी। चोरी एक कला है, चोरी करना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से चोरी एक कला है। तो ये जो पंजाबी में दो छोटे छोटे किस्से हैं, इससे सुन के शायद आपको पता लगेगा कि वाकई चोरी एक कला है। मेरी जान पहचान वाले घर पर आ गया सी, जदों ओहदे कोल एक गोरा आया जो फायर प्लेस बेच रहा सी, ते कहन लगा मेरे कोल दो हन जे लैनिया ने ते $700 की एक लै लै। वैसे यह बाजार विच हज़ार की एक मिलती है, कर करा के सौदा $1,000 बीच टूट गया, तो उन्हें $1,000 कैश उन्होंने बैंक को लिया के दे दिते और दोनों फायर प्लेसिस रख लए। जब वो दूजे घर गेड़ा मारन गया, जो थोड़ी दूर ही बनना पिया सी, तो जाके की देखता है कि कोई वो घर दिया दोनों फायर प्लेसिस ला के लै गया है, तो आके उन्होंने ही बेच दिया। पता लगा कि चोर उन्होंने ओदा समान चोरी करके उन्होंने ही बेच गया है। रिचमंड में काफ़ी महंगे घर बनते हैं, तो उस दिन उन्होंने घर दिया शीशे दिया बारियां आ गया। उन्होंने की किया, अपने घर के बुजुर्ग को राखी बिठा दिता, क्या कि जब तक कंपनी का ट्रक नहीं आता सारिया बारियां नहीं आदियाँ, तुम इतें ही बहना, किधरे जाना नहीं। बुजुर्ग बेचारा इंतजार करता रहा, इन्ने देरी ट्रक आया, सारिया बारियां वगैरह उतार दतिया और चल रहा। थोड़ी देर बाद दूजा ट्रक आया और कह लगा, ओहो ए गलती थोड़े घर आ गया समान, थोड़ा समान दूसरे ट्रक में आ गया। वह बेचारे बुजुर्ग ने नाल लग के सारा समान वापस ट्रक में चढ़वा दिता और इंतजार करता रहा करता रहा। पता लगा कि वह ट्रक भी चोरी का सी, समान आया ही नहीं। सो इस तरह दल्ला उत्तर होंदिया ही रहिंदिया। कई बार जिस तरह बीवियां कार में ग्रोसरी लैन जांदियां ने, तो कार सामने घर का घर के गैराज का रिमोट लटकता होंगे, चोर ने कार का शीशा फंडिया, विचों इंश्योरेंस के पेपर कटे, नाले एड्रैस ले लिया और रिमोट भी कट लिया। और बीबी बेचारी पुलिस भी उड़ीक करती रही कि हमने पुलिस वाले आन गए क्लेम करके असी अपना इंश्योरेंस खत्म करवा लेंगे, पर जब तक पुलिस आँगी वो चोर ट्रक लगा के गैरेज नाल रिमोट नाल गैरेज खोल के सारा सामान लेके चलते बने और बीवी अपनी पुलिस भी इंतजार करती रही। सो मेरी कहानी में चोरी कलाकार है।